नमस्कार दोस्तों, इंडियाज़ फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मेरे पीछे आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत शानदार और दमदार बाग है। आप देख सकते हैं, आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा। और इधर थोड़ा हटके से उन्होंने जो बाग का उन्होंने कुछ अलग तरीके से उन्होंने पौधा लगाया। अगर आप देखेंगे जो सुभाष पालेकर का जो क्लोज मॉडल है उससे भी ये ज़्यादा क्लोज है आप देखेंगे तो। और हर एक पौधे को मैं घूम के देखा, यहाँ पर कोई भी केमिकल्स उन्होंने यूज़ नहीं किया है। जो बाग का ओनर है, जिन्होंने जो बाग लगाया है, उनको मैंने बात किया कि ये सुभाष पालेकर जी का मॉडल है, तो उन्होंने मेरे को बताया कि ये सुभाष पालेकर जी का मॉडल नहीं है। उन्हें अपने हिसाब से जो दोनों प्लांट के बीच में जो डिस्टेंस है वो 5 फीट उन्होंने मेंटेन किया। और उसके बाद में अगर आप देखेंगे ना तो प्लांट टू प्लांट कोई कोई जगह पर मैंने नोटिस कर रहा हूँ कि 3 फीट भी है, कोई कोई जगह पर मैं नोटिस कर रहा हूँ ये 4 फीट भी है, 5 फीट है, बट दोनों जो रो टू रो डिस्टेंस है उन्होंने कांस्टेंट 5 फीट मेंटेन किया। तो आप आइए, बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने लगाया, कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करते। इवन मैंने उनसे बात किया कि आप जीवामृत वगैरह यूज़ करते तो वो भी मना किया, बोला कि उन्होंने कोई जीवामृत नहीं किए यूज़ किया है, ओनली जो गोबर का जो खाद है, सड़ा हुआ गोबर का खाद, वही प्लांट को देते और उसके सिवा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे चंदन का भी पेड़ है, सीताफल का भी पेड़ है, चीकू का पेड़ है, हर एक तरीके से मालवर नीम भी है, बहुत तरह तरीके की पौधे। और आप सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आपको देखेंगे, एक बहुत बड़ा वाला प्लांट की पास में छोटा वाला प्लांट भी है, दोनों की अगर ग्रोथ में देखेंगे तो भी कोई चेंजेस नहीं। आप मेरे साथ आइए, आज की वीडियो आपके लिए बहुत 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 बढ़िया होने वाला है, प्लीज़ आइए। देखिए ये एक पौधा है हमारा, ये चंदन का पेड़ है और ये देखिए अमरूद का पपाया पपीता का पेड़ है। देखिए ये पपीता है, फिर आप देखिए ये वाला, ये बहुत बड़ा वाला प्लांट भी है और उसके बाजू में छोटा वाला प्लांट है। अगर दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस देखेंगे तो मेरे को नहीं लग रहा है कि मतलब ये 3 फीट से ज़्यादा है, 3-3 फीट में उन्होंने लगाया। और कोई भी मतलब एक दूसरे के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है। आप मेरे साथ आइए, सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं दिखाता हूँ। लोग बोलते हैं कि केमिकल्स नहीं देगा तो ग्रोथ नहीं होता है, ये पपीता को आप देखिए, यहाँ से तो मेरे को नहीं लग रहा कि कोई फर्क पड़ा है इसमें। फिर आगे आई और इंटरेस्टिंग चीज मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे कुछ अलग मॉडल मेरे को लगा, ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग मॉडल लगा। ये मैंगो है, मैंगो देखिए, और इसके बीच में उन्होंने एक चंदन लगाया है, चंदन, फिर ये गोवा है, ये गोवा है अमृत जिसको बोलते हैं हम लोग, देन ये फिर एक चंदन लगाया है और ये बाजू में आप देखेंगे तो ये मैंगो है। कितना इंटरेस्टिंग है आप देखिए, नॉर्मली जहाँ पे मैंगो रहता है उसके बाजू में दूसरा पेड़ और गोवा नहीं लगाते, बट यहाँ पे कुछ मैं नज़ारा कुछ अलग ही देख रहा हूँ। और हर एक पौधा जो है अपना उसका चमक कुछ अलग ही है, आप चमक भी देखेंगे पौधे का, बहुत इंटरेस्टिंग है। नीचे देखिए खरपतवार भी नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने मेंटेन करके रखा है। ये मैंगो देखिए, इसका साइनिंग देखिए मैंगो का, और ये गोवा को उन्होंने काटा है। और आइए मेरा पीछे, बाउंड्री के ऊपर उन्होंने जो मालवर नीम है, मालवर नीम पूरा लगाया हुआ है। और मेरा साथी इधर आई, और ये बाजू में केला, उन्होंने बाउंड्री में केला रखा है। आप आई, नेचुरल केला है, कितना इंटरेस्टिंग है देखिए। बाजू में देखिए बहुत शानदार है। अभी इधर मैं आपको दिखाता हूँ, आप मेरा साथ आइए। यहाँ पे आपको एक अलग चीज आपको देखेगा, ये देखिए ये सागवान का प्लांट है। उन्होंने मतलब पालेकर जी की जो मॉडल है उसमें अगर आप देखेंगे तो पालेकर जी मॉडल में क्या होता है कि उनका कुछ प्लांट जो है सेम प्लांट लगाते हैं, जैसे पपीता टू पपीता जितना डिस्टेंस में, या सीताफल है, या कोई भी प्लांट लगाता है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे मॉडल के हिसाब से लगाते हैं। बट ये मॉडल पे मैंने जो देखा, यहाँ पे कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि कौन सा प्लांट है, उनको जो मन हुआ उन्होंने वही प्लांट लगा दिया। आप देखिए इसमें, आप यहाँ पे आइए, अभी ये थोड़ा लाइन कितना सीधा है आप दिखाइए एक बार, और खरपतवार तो बिल्कुल भी नहीं है इसमें। हाँ देखिए ये रामफल का है, रामफल है, कितना इंटरेस्टिंग है देखिए पपीता।
पूरा देसी पपीता है। इतना इंटरेस्टिंग। फिर ये साइड में देखिए गोवा है, कितना कलरफुल शाइनिंग, और बाजू में मैंगो है। हाँ, और ये देखिए ये सापोटा है, सापोटा है, चिक्कू बोलते हैं इसको हिंदी में यहाँ पे। और ये भी सापोटा है देखिए आप, और यहाँ पे देखिए खास बात ये है कि उन्होंने कोई केमिकल्स यूज़ नहीं करते, और बिना केमिकल का मतलब आप देखेंगे तो थोड़ा हैरान होगा, क्योंकि उन्होंने कोई जीवामृत वगैरह भी उन्होंने यूज़ नहीं करते, ओनली गोबर का जो खाद है, सड़ा हुआ खाद है, मैं जाके देखा वो सड़ा हुआ खाद ही यूज़ करते हर एक प्लांट में। कोई डिस्टेंस विस्टेंस कुछ उन्होंने मतलब बेड टू बेड ही डिस्टेंस है, बाकी जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस का उन्होंने भूल गया है, अपने हिसाब से लगाया, और हर एक पौधे का अपना जो चमक है कुछ अलग ही है अपने आप में। बहुत बहुत आपको लगता होगा कि बहुत अच्छा लगा होगा ये बाग आपको। अगर आपको लगता है कि ये बाग के ऊपर जो प्लांट बाग का जो ओनर है उनके साथ अगर आप चाहते हैं कि और एक मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, तो मैं कोशिश करेगा उनसे बात करेगा, और बात करके वीडियो बनाने के लिए मैं कोशिश करेगा, क्योंकि जो ओनर है वो यहाँ पे नहीं रहते, वो बाहर रहते, तो मैं आपको ये करना। ये तालाब को जो बारिश का पानी है उसको स्टोर करके रखते हैं, स्टोर करने के बाद क्या करते हैं, जहाँ पर जब भी ज़रूर रहता है यहाँ पर पानी लेके फिर वो पानी को ये करते यूज करते। नीचे ये देख सकते हैं उन्होंने नींबू भी लगाया है यहाँ पे, यहाँ पे आप नींबू देख सकते हो, पूरा भरपूर नींबू है, कितना बढ़िया क्वालिटी का नींबू है, शानदार नींबू है, देखिए मेरा पीछे आइए आपको दोस्तों। ये मॉडल देख के आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपना जितना भी दोस्त है उनके साथ भी शेयर कीजिए। ये मॉडल के बारे में अगर और भी थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करके बताइए, और उसके साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाद में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें। वीडियो पे बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।